तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है, बड़ी बातचीत हुई और उसके बाद प्रस्ताव किसानों को भेजा गया। सरकार ने किसानों को ये प्रस्ताव भेजा है जिसमें कई उन आपत्तियों को इसमें शामिल किया गया जो किसानों की तरफ से कही गई थी पहले भी। निजी कंपनियों पर टैक्स की बात यहां साफ कर दी गई है कि प्रस्ताव में एमएसपी को खत्म नहीं करने का जिक्र है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मंडी व्यवस्था को और बेहतर करने का जिक्र भी इस प्रस्ताव में है और साथ ही किसानों के अधिकार को लेकर कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को और अधिकार दिए जाएंगे, यानी अधिकार का दायरा बढ़ाने की बात भी इस प्रस्ताव में है। तो कुल 5 पॉइंट्स हैं इस प्रस्ताव में किसानों के लिए, कानून से जुड़े हुए। प्रस्ताव में निजी कंपनियों की भी बात कही गई है कि कुछ टैक्स उन पर भी लग सकता है। ये सूत्रों से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जी न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, इसमें संशोधन किया जाएगा, कोर्ट जाने का अधिकार किसानों को मिल सकता है। निजी कंपनियों पर कहा यह गया है कि कुछ टैक्स उन पर लगाया जा सकता है। नए कानून में केवल पैन कार्ड के जरिए खरीद की बात कही गई थी, तो ये संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो सकती है। ये प्रस्ताव में बातें हैं। अब निजी कंपनी और व्यक्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा, ये भी बात इसमें कही गई है। एमएसपी को लेकर किसानों के मुताबिक कुछ बदलाव संभव है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मंडी सिस्टम किसानों की सहूलियत के हिसाब से उसमें भी बदलाव संभव है। तो ये प्रस्ताव में तमाम महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। एक बार फिर से रविंद्र का रुख करेंगे। रविंद्र, ये वो संशय है, मैं संशय का यहाँ पर जिक्र करूंगी क्योंकि जो भ्रम फैलाने की कोशिश एक तरीके से किसानों के अंदर की गई थी और अभी भी की जा रही है, उन तमाम बातों का जिक्र इस प्रस्ताव में एक तरीके से। बिल्कुल, देखिए, ये पूरी तरह से जो आंदोलन शुरुआत हुई ये पहले पॉलिटिकल था। मंडी व्यवस्था द्वारा चालू की गई मंडी व्यवस्था, जिनके जो कंट्रोल करते हैं उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, इस तरह के आरोप लगे थे, और जो वहाँ की सरकार है आपने देखा कि उसको कहीं ना कहीं हवा दिया गया, इस तरह के बीजेपी के लोगों ने आरोप भी लगाया था, बीजेपी के नेताओं ने। लेकिन बात वहाँ से बढ़ते बढ़ते बॉर्डर पर आ गया, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर और बाकी जो बॉर्डर पर जब हजारों किसान आ गए, सैकड़ों किसान दूसरे दूसरे बॉर्डर पर आ गए, तब लगा कि अब बातचीत करना ही पड़ेगा। और जो शंका थी, आशंका और कई बेवजह की जो गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, सरकार अपनी तरफ से रिटर्न में अगर भेज दिया है तो जाहिर तौर पर उन किसान नेताओं को अब उस पर विचार करना ही पड़ेगा या करना चाहिए, इसे सरकार का मानना है कि करना ही चाहिए। कल जब आप देखें कि गृह मंत्री अमित शाह खुद किसान नेताओं से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कल ही उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था, जो माना जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, टेबल पर बैठ के 13 महत्वपूर्ण किसान नेताओं को उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दे दी थी कि भाई हम तीनों बिल निरस्त नहीं कर रहे। ऑडियो देखिए, तीनों बिल हम निरस्त नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। अब रूफी का रुख कर लेते हैं। अब रूफी भी मेरे साथ हैं और वो इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। रूफी, आप किसानों से बात लगातार कर रही हैं, लेकिन अब उनसे बात कीजिए, जरा पूछिए कि समस्या का समाधान तो यही है ना कि सारे सवाल जो किसान की तरफ से उठाए जा रहे थे उनका जवाब दिया जाए, तो इस प्रस्ताव में तो वही बातें हैं। यहाँ पर किसान इकट्ठे हैं और उनसे ये पूछते हैं कि अब जब ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, किसानों के पास भेजा गया है जिसमें उनकी सारी समस्याओं का हल है, तो वो क्या सोचते हैं। अब जब प्रस्ताव भेज दिया गया है, प्रस्ताव में वो सारी बातें की गई हैं जो किसान चाहते थे, चाहे वो मंडियों की बात हो, MSP की बात हो, कोर्ट तक जाने की बात हो, अब तो रास्ता खुल सकता है, अब तो ये आंदोलन यहाँ खत्म हो सकता है। प्रस्ताव पहले पता तो चले क्या आया क्या नहीं आया है, जब पता चलेगा तो अगर हमारे पक्ष में होगा तो हम रास्ता खोलेंगे, और हमारे पक्ष में नहीं होगा तो कैसे रास्ता खोल लेंगे। मतलब संशोधन पर बात बन जाएगी ना, तो संशोधन तभी तो होगा जब पता चले कुछ, अभी पता नहीं उन्होंने अपने पक्ष में ही रखा हो, हमारे पक्ष में है ही नहीं संशोधन, तो फिर कैसे रास्ता। जो ड्राफ्ट है वो पहुंच चुका है अभी सिंघू बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो किसान है उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी अभी इस प्रस्ताव को लेकर आई नहीं है। अगर वो सारे संशोधन जिसकी आप बात कर रहे थे वो हो जाते हैं, तब तो संशोधन पर बात बन जाएगी ना, आंदोलन खत्म हो जाएगा। जो संशोधन किए हैं सरकार ने, अगर हमारे पक्ष में वो संशोधन होंगे, लिखित में जो संशोधन दिए हैं और हमारे पक्ष में होंगे, तो बात बन सकती है। पहले हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, बिना पढ़े हुए हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब किसानों की ऐसी कोई जिद नहीं है कि तीनों प्रस्ताव वापस हो, तीनों बिल वापस हो, तभी आप लोग हटेंगे, अगर संशोधन आपके पक्ष में तो आप हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे पक्ष में संशोधन है, संशोधन भी हमारे पक्ष में होगा तो हम हट जाएंगे, रोड खोल देंगे, बिल्कुल हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हट जाएंगे, इस बार 12/7 हमारे अधिनियम के लागू होनी चाहिए।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, संशोधन अगर हमारे हिसाब से होते हैं तो पूर्णतः आंदोलन वापस ले लिया जाएगा, लेकिन MSP का जो सरकार कह रही है कि हम लिखित दे देंगे, हमें लिखित नहीं चाहिए, हमें एक्ट चाहिए। लिखित में तो हम दे देंगे, अगर इनकी सरकार चले गई तो। अच्छा, पहले तो आपने कहा था लिखित में दे दीजिए। लिखित का मतलब कानून से है, अब उसमें वो और चीज जोड़ लें। लिखित तो मैं आपको कागज पर भी लिख के दे सकता हूँ। तो जो सरकार लिख कर देगी उसका, उसको तो आप चैलेंज कर सकते हैं, वो तो कानूनी उसका हक, वो उसका संवैधानिक वैधता होगी उसकी। संविधान की वैधता जब होगी जब राष्ट्रपति उस पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो सरकार जब लिखित कहती है तब उसका मतलब यही होता है ना कि वो उसको प्रारूप देगी संविधान की तरफ से, या फिर जो भी लीगल चीजें होंगी वो सब होंगी? नहीं, मेरी जानकारी में कुछ अलग आया है, उसमें ये आया है कि लिखित में सरकार अपनी जो गवर्नमेंट है वो जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन उसको कानून जो एक विधेयक होता है, विधेयक में एक MSP को शामिल करके वो एक्ट नहीं बनाना चाहते। उसी कानून का हिस्सा है ना, वो कानून उसी कानून का हिस्सा, और ये वही आपत्ति जो शायद अभी समझ नहीं आ रही। और देखिए रूफी, यही बात है कि किसानों को दरअसल उस बिल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही है, और यही समझाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। इससे पहली बैठकों में भी मैं फिर से आपके पास आऊंगी, अमित का भी रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए आपकी कैसे केंद्र सरकार के प्रस्ताव से पहले ही किसानों की बातें भी आप सुन रहे हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, कृषि कानूनों की वापसी से कम पर वो तैयार नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे थे किसान मन बना चुका है, तीनों बिल वापस हो, संशोधन से नहीं मन। आंदोलन जारी है और लगातार सरकार और किसानों के बीच गतिरोध है। सरकार ने प्रस्ताव की बात कही है, क्या प्रस्ताव पर बात बनेगी? राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए, और अभी ये सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं उसी मीटिंग में शामिल करने के लिए जहां पर 40 किसान संगठन है वो मीटिंग करेंगे। राकेश जी, कल रात गृह मंत्री के साथ आप लोग की मीटिंग हुई, चर्चा हुई, सरकार ने प्रस्ताव की बात कही, आश्वासन की भी बात कही कि आश्वासन देते हैं जो कानून में संशोधन हो सकता है, क्या अब बात बनेगी? देखो, संशोधन पे किसान तैयार नहीं है, क्योंकि किसान पूर्ण रूप से मन बना के आ चुका है। दूसरी चीजों पर कमती बत्ती क्या होगा वो बातचीत से होगा, लेकिन संशोधन सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे। बिल वापस लेने होंगे या संशोधन पे बात बनेगी? संशोधन पे बात नहीं बनेगी, पूर्ण रूप से जो बिल हैं वे वापसी लेने पड़ेंगे। राकेश जी, आप कई सालों से राजनीति में हैं और किसानों की बातों को उठाते आए हैं, क्या आपको लगता है कि बिल वापस करना सरकार के लिए आसान होगा? अब क्या पता क्या होगा भाई, तो देखिए सरकार को सोच रहे हैं कि क्या करना है, अभी तो बिल वापसी ही एक समाधान है। कल जब रात आप 3.5 घंटे तक सरकार के साथ मीटिंग की, किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई और किन किन बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव के बाद आज लेकर आएंगे अपना ड्राफ्ट, एक देंगे उसको, हम ड्राफ्ट को पढ़ेंगे पहले, लिफाफे के अंदर क्या है वो पढ़ेंगे पहले ड्राफ्ट को। कल 3 घंटे क्या बातचीत रही? बातचीत यही रही, हमने कहा कि बिलों को वापसी ले लो, सरकार अभी उस पर तो सहमत नहीं लग रही और किसान वापसी पर सहमत नहीं है, ना संशोधन पर सहमत है, वो चाहते हैं कि बिल पूर्ण रूप से वापसी हो। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ी है, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन के लिए तैयार है, सारी चीज़ों को मानने को तैयार है, लेकिन बिल वापसी नहीं हो सकती, तो रास्ता कैसे निकलेगा? जो आपकी समस्या, आप लोग भी 14 दिनों से यहाँ पर किसान सड़कों पर हैं सर्द रातों में। तो अब किसान का सवाल आ गया, किसान नहीं वापसी जाएगा, वापस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो यानी गतिरोध नहीं खत्म होगा, नहीं होने का, आंदोलन यूं ही ऐसा चलता रहेगा। कुछ तो उपाय होगा राकेश जी? अब वो तो सरकार बताएगी, भाई वापसी ले लें फिर बना लेंगे, बढ़िया डेट बना लें, सरकार के पास है। यानी साफ तौर पर है, तमाम जो किसान नेता हैं, जब तक बिल रद्द नहीं होता, वापस नहीं होता, तब तक शायद गतिरोध खत्म नहीं होगा। हालांकि राकेश टिकैत खुद उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं जहाँ पर सरकार प्रस्ताव भेजेगी, और क्या उस प्रस्ताव पर गतिरोध खत्म होगा ये शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। राजू राज, जी मीडिया, UP बॉर्डर। तो सुना आपने, देखिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसानों में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकमत नहीं। हमारी संवाददाता रूफी ने बात की, वहां पर किसान कह रहे थे कि प्रस्ताव आएगा, संशोधन अगर उनके पक्ष में होते हैं तो वो तैयार हैं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो मानेंगे ही नहीं क्योंकि किसान अपना मन बना चुका है। अमित भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से, और उसके साथ ही रविंद्र भी हैं, राजू राज का भी मैं रुख करूंगी। लेकिन रूफी,
छोटा सा एक रिएक्शन लीजिएगा वहां मौजूद किसानों से, क्योंकि राकेश टिकैत वो तो ये कह रहे हैं कि किसान अपना मन बना चुका है। आपने जो किसानों से बात की वो कह रहे हैं कि संशोधन अगर उनके पक्ष में होता है तो मान जाएंगे, लौट जाएंगे वापस। जी बिल्कुल शिरीन, हम सीधा किसानों से ही बात करेंगे। यहाँ पर कई किसान आप देख रही हैं तस्वीरों में। आप ही बताइए, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बिल वापसी से कम पे नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर संशोधन आपके पक्ष में होगा तो आप मान जाएंगे, गतिरोध खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखो आंदोलन वापस लेने का फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा जो कमेटी है एक अपना, जिसमें राकेश टिकैत जी भी शामिल हैं, वही लेंगे। लेकिन आपका जो संगठन है वो इस बात पर मान जाएगा? नहीं, हमारा संगठन उनसे अलग कैसे चला जाएगा? अगर कोई टेक्निकल इश्यूज पर अगर ये लोग सहमत हो जाते हैं तो इन्हीं के हिसाब पर हमारा संगठन निर्णय लेगा। आपका क्या कहना है? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बिल वापसी से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अगर संशोधन आपके पक्ष में होंगे तो मान जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ, अगर संशोधन हमारे पक्ष में होंगे तब मानेंगे ना, पता नहीं कि अब संशोधन तो पक्ष में है या नहीं। यहाँ पर किसान जो है वो कह रहे हैं कि संशोधन पक्ष में आता है, अगर प्रस्ताव वो पूरा पढ़ेंगे और उनके पक्ष में अगर हुआ तो वो आंदोलन खत्म करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत को भी आपने सुना, अब अमित के पास में जाऊंगी। अमित, यहाँ तो एकमत ही नहीं अब दिखाई दे रहा, और इसका ये आशंका सरकार की तरफ से भी जताई गई थी कि अलग अलग जो किसान संगठन है उनकी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग राय हैं, वहां पर किसानों से बात कीजिए। देखिए, मेरे साथ किसान है यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस समय जिस तरह से मैं बोलूँगा, कुलदीप जी आप पूरी तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर वो भी किसान हैं जिन्होंने पूरी उम्र अपनी खेती पे लगा दी और अब वो भविष्य जिनका खेती है वो भी मेरे साथ हैं। हरदीप, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि अब सॉल्यूशन हम देने को तैयार हैं, अब आप क्या मांग? नहीं सर, अब तो रद्द ही चाहिए, सॉल्यूशन कोई होगा ही नहीं इसका। अगर सही होता ना, पहले तो ये अड़े ही थे, ये अच्छा ही है, प्रधानमंत्री हर जगह जाते थे यही बोलते थे ना, बिल्कुल अब क्यों सोल्यूशन पर आ गए, कोई कमी था बोले इसीलिए आए ना, इसको तो हमें रद्द ही चाहिए, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? अमेंडमेंट नहीं सर, रद्द ही चाहिए जी, पहले रद्द चाहिए, जिदा मान लो जो बिल जिन्हें है रद्द करो जी सर, अमेंडमेंट नहीं सू चाहिए, जो चाहिए थी वो तो अमेंडमेंट की नहीं, हम सू रद्द चाहिए जी, जो काले कानून है तीन वापस चाहिए जी। किसान दे जो हालात हैं किसान के वो पहले ठीक नहीं थे, उसको लेकर एक फार्म बिल लाया गया जिस पे जो कह रहे हैं कि किसान के हालात ठीक होंगे, और आपने विरोध किया, और अब सरकार बोल रही है कि संशोधन करेगी इस पे, उसके लिए प्रस्ताव भी उन्होंने भेज दिया, क्या कहेंगे? सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कानून जो सही होंगे मान लो तो इतने इन्नी जनता इकट्ठी होकर नहीं आना सगा, एक सरकार कहती है भी फायदा होगा, जे फायदा होंगे अं कहने भी सानू नहीं ये चीज़ की लड़ हैगी, तो एक धक्के क्यों साढ़े लागू कर दिया रद्द कर, सिर्फ दो फसलों के उत्ते रेट सरकारी सगा, कणक के झोने के, होर किसी से सरकारी रेट नहीं सगा, ना आलू के ना सब्जी के, किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ दो चीज़ा बचिया, उन्होंने भी खत्म करके प्राइवेट हाथों दे ते खत्म करना चाहते किसान किसानों, इस करके सरकार विरोध करते हैं भी एक ना करना, एक खत्म करना। मैं फिर से आपके पास आऊंगी, अब राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू, आप अपने आसपास के किसानों से बात कीजिएगा, वो कह रहे हैं किसान मन बना चुका है, लेकिन अभी हम कुछ और किसानों से बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि संशोधन पक्ष में होता है तो मान जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिरिन, लगातार मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग संगठन आपको, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी की, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रकाश जावड़ेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 2 बजे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। रविंद्र मेरे साथ है, रविंद्र, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसानों को लेकर सरकार अपने तरफ से प्रस्ताव भेज देती है, लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है, और सियासत आप देखिए कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के नेता हो या फिर शरद पवार हो, सीताराम येचुरी है, 5 बड़े नेता जाएंगे राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और उनसे किसान बिल को खत्म करने की बात कहेंगे, रद्द करने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कल से बात हो रही है कि किसान नेताओं या किसानों के कंधे पर चढ़कर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, उसकी काट के लिए बीजेपी दफ्तर में 2 बजे प्रकाश जावड़ेकर, INB मंत्री और महासचिव भूपेंद्र यादव सिलसिलेवार ढंग से
इस कानून के बारे में भी और किसानों से जो बातचीत हुई है और किसानों को क्या क्या सरकार की तरफ प्रस्ताव जा सकता है या फिर किसानों की सहूलियत के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं पार्टी के तौर पर, ये सब की जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं सियासत की क्लेरिफिकेशन में चाहूंगी रविंद्र, जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी दी जाएगी, वो बैठक ये वो कॉन्फ्रेंस नहीं है। देखिए कैबिनेट सरकारी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, उसकी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट के जो प्रवक्ता के तौर पर देखा जा रहा है प्रकाश जावड़ेकर, वो करेंगे 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में। लेकिन सियासत जैसा बात हो रही है ना कि कांग्रेस और बाकी नेता राष्ट्रपति पास जाएंगे और बाकी कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, उसकी काट पार्टी के तौर पर पार्टी नेता के पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के संगठन के महासचिव भूपेंद्र यादव उसका जवाब देंगे। तो दोनों अलग अलग है, एक बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे है और 3 बजे सरकार के कैबिनेट के जो डिसीजन हुए हैं उस पर उसके बारे में बताएंगे प्रकाश जावड़ेकर। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1-3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राजू राज, अब अपनी बात कीजिएगा किसानों से। बिल्कुल सिरिन, मैं बता दूं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग संगठन के लोग प्रोटेस्ट पर धरने पर बैठे हैं, अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। जिस जगह पर मैं हूँ यूपी बॉर्डर पर, यहाँ पर तमाम जो जितने भी किसान हैं आंदोलन में बैठे हुए हैं वो राकेश टिकैत की अगुवाई में बैठे हुए हैं और जो आदेश जो निर्देश राकेश टिकैत की ओर से दिया जाएगा उसी का अनुपालन यहाँ के लोग करेंगे। जितने भी यूपी उत्तराखंड के जो किसान आए अलग अलग राज्य जिलों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी राय जानने इस सवाल के साथ राकेश टिकैत ने कहा गतिरोध और बढ़ जाएगा अगर यहाँ के किसान अलग वहाँ के किसान अलग राय रखेंगे। तो देखिए एक चीज़ समस्या आ रही है कि अलग अलग संगठन के किसान अलग अलग राय रख रहे हैं, ऐसे में तो गतिरोध खत्म नहीं होगा। सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा है सिंघू बॉर्डर पर, जिस नहीं सिंघू बॉर्डर पर प्रस्ताव पहुंचा, 40 आदमियों की जो 40 संगठन है उनकी मीटिंग वहां चल रही है, उसे देखा जाएगा, शाम तक सारा पत्ते खुल जाएंगे। अभी नोएडा बॉर्डर पर हमारी जो सहयोगी थी वहाँ के किसानों से जो बातचीत की तो उनका कहना था कि अगर सरकार के प्रस्ताव उनके मुताबिक होगा तो वो आंदोलन से पीछे हट जाएंगे, आंदोलन को छोड़ देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होगा। देखो किसान आस्था लगे हुए हैं, किसान नहीं मान्या, किसान जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं वो अपने किसानों से पूछते तो उनका किसानों का यही कहना है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। तीनों बिल वापस होंगे नहीं जाएंगे तो गतिरोध कैसे करें? सरकार ने जो जितनी भी आपकी मांगे थी सबको लिखित रूप में प्रस्ताव के रूप में भेजा है तो क्या गतिरोध खत्म नहीं होगा? क्योंकि बिल वापस करना कोई आसान काम नहीं होता किसी सरकार के लिए। देखो जी सरकार के आसान तो नहीं होता, जब भारी मात्रा में लोग जुट जाते हैं ना किसी आंदोलन में, जब बड़े आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन की तरफ कदम बढ़ता है तो सरकारों को माननी पड़ती है बात, इतनी हठधर्मी नहीं चलती। और हमारी बात जो है आप कह रहे हो कि वापस लेगा, वापस कैसे लेंगे, हमारी जो 3 कृषि कानूनों पे बात हो रही है हमारा मोटिव वही है। आपकी जो मांगे थी MSP को लेकर, मंडी को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, बातें कर रहे हैं ना अपनी मांगों को लेकर, इन्हीं मांगों पर अब एक तरीके से प्रस्ताव है कि उनकी जो आपत्ति थी उनके जो सवाल है वो इन तमाम प्रस्ताव के तहत वो तमाम मांगे इनकी उसमें रखी गई हैं। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.